संस्था है, ये सिर्फ अंडमान में नहीं पूरे इंडिया में ये चल रहा है। तो हम इसके यहाँ पर हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि नशाबंदी और रोड सेफ्टी के लिए हमने ये प्रोग्राम की आयोजित किया है। और इसमें आप सारे बच्चे को, जो युवा पीढ़ी का, सबको एक संकल्प लेना है। ये जो मिनस है अल्कोहल एडिक्शन का, ये एक दिम्बक का तरह है। ये न केवल एक आदमी को खाता है, ये परिवार इसमें पीड़ित होता है। अंडमान में ड्रग एडिक्शन और इसके और नशाबंदी को बंद करने के लिए और रोड सेफ्टी के विषय में हमने आज एक रैली का आयोजन किया था। Public Friends Association, Port Blair branch. As it is well known that the entire country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and as a part of Amrit Mahotsav, our organization is organizing a rally to create awareness regarding ill effects of alcohol, drug abuse and road safety. Firstly, I would like to welcome Shri Richard Batten, President of Good Samaritan Club, Port Blair branch, to honor our beloved chief guest for today, Shri Munni Singhania, Director of Health Service. Can we give a clap of hands for him? Madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. ये हमारी जो संस्था है, ये सिर्फ अंडमान में नहीं, पूरे इंडिया में ये चल रहा है। तो हम इसके यहाँ पर हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि हम जो नशाबंदी और जो रोड सेफ्टी के लिए हमने ये प्रोग्राम की आयोजित किया है, और इस प्रोग्राम को हमने एक रैली के रूप में आयोजित किया है। तो मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ पर आए हमारे गुड समारिटन के एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स और हमारे सारे लोगों का भी तहे दिल से, जो लोग यहाँ पे आए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आज इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे सब आए, मैं इसका तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इतना ही कहकर आगे के कार्यक्रम को, और इसमें आप सारे बच्चे को, जो युवा पीढ़ी का, सबको एक संकल्प लेना है। ये जो मिनस है अल्कोहल एडिक्शन का, ये एक दिम्बक का तरह है। ये न केवल एक आदमी को खाता है, ये परिवार इसमें पीड़ित होता है, कैसे समाज का साथ देश की अर्थव्यवस्था इसमें ख़त्म हो जाती है। तो जैसे हम लोग मेडिकल इंश्योर करते हैं, इसी तरह अपने आप में आज आप प्रतिज्ञा लीजिए और अपने आप में संकल्प लीजिए जे मैं इस तरह का एडिक्शन में भागीदार नहीं हूँगा, और अपने आप को मेरा जीवन क्योंकि एक ही है, और इसका जिम्मेदारी भी आप खुद है, और इसका सिक्योरिटी आपको खुद ही तय करना है, न कि मेडिकल डिपार्टमेंट एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, पुलिस एक पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, को ट्रैफिक रूल सिखा सकता है, बल्कि जब तक आदमी खुद अपने में संकल्प ना ले जे मेरे को इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, मैं यदि नहीं सोचूं तो उसको कोई सुधार नहीं सकता है। तो सभी को अपने आप में संकल्प लेना है जब मैं इस तरह का ड्रग एडिक्शन या फिर अल्कोहल का मैंने से मैं बाहर रहूंगा। जो यूथ को कर रहा है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। आज देखिए अंडमान के अंदर में शाम को 5 बजे के बाद कोई एक्टिविटी यूथ के लिए नहीं है, खासकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मैडम आप इन्वॉल्व द स्पोर्ट्स में नहीं, ठीक है, ओके, गुड। सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है जो एक्टिव होना चाहिए, जो देखिए हम मेरा बचपन इधर ही बीता है, शाम को देखने से ग्राउंड में पूरा भरा रहता है बच्चा लोग, आज वो नहीं है। तो आज बच्चा क्या करेगा शाम को, एक दो पेरेंट्स का प्रेशर है, ट्यूशन परफॉर्मेंस, अब पेरेंट्स भी समझना चाहिए कि बच्चों लोग का खाली पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है। जब खेल कूद नहीं होगा तो चिल्ड्रन आर डाइवर्जिंग देमसेल्फ,
instead of converging, they are diverging themselves to all these kind of activities. हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को हम थैंक्स करता है, क्योंकि हाल ही में देखा तो इन लोग बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया ड्रग्स का, फिर भी कितना कंट्रोल कर सकता है, जहाज के थ्रू में आ जाता है, फ्लाइट के थ्रू में आ जाता है, आज बहुत दुख का बात है इधर प्लांटेशन भी हो जाता है। तालियां बजती रहे। एक गाड़ी आगे लो। कानून साहब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सेलुलर जेल के यहाँ पर, और जैसा हम आपको बता दें, आज यहाँ पर रोड सेफ्टी एंड डी एडिक्शन अवेयरनेस रैली बाय गुड स्मार्टियन क्लब, पुलिस पब्लिक फ्रेंड्स एसोसिएशन, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर भी है, और इसके चीफ गेस्ट थे श्री नीरज ठाकुर जी, जो कुछ कुछ कारण वो नहीं आ सके, बट उनकी जगह SHO सर, जो हमारे अबड़िन जो थाना के SHO है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मुन्नी सिंह सिंगानिया मैम, जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो आइए इसी विषय में हम जो गुड स्मार्टियन क्लब के सेक्रेटरी मैम से हम बात करते हैं, मिसेस बिंदु जी से। मैं गुड समेरिटन क्लब जो संस्था है, मैं उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम बिंदु है, और यह हमारा जो ये गुड समेरिटन क्लब है, ये ना सिर्फ अंडमान में बल्कि पूरे भारत वर्ष में ये इसका ब्रांचेस चल रहा है, यहाँ काम कर रहे हैं हम। सामाजिक सेवा और सेवा की भावना रख के इस काम को कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ अंडमान में ड्रग एडिक्शन और इसके और नशाबंदी को बंद करने के लिए और रोड सेफ्टी के विषय में हमने आज एक रैली का आयोजन किया था। तो हमारे रैली के जो जैसा बताया गया कि हमारे रैली में चीफ गेस्ट नीरज ठाकुर सर थे, लेकिन कुछ कारणवश आ नहीं पाए, तो उनके उपस्थिति में उनके अफसर से हमारे मतलब अबड़िन थाना के प्रभारी जो सर आए, उनके एब्सेंस में आज यहाँ पे मुन्नी सिंघानिया मैडम जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के हैं वो आए थे, तो उन्होंने इसका कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और मैं यहाँ और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सारे पुलिस पब्लिक एंड फ्रेंड्स एसोसिएशन भी एक संस्था है जो पुलिस के साथ में मिलकर दोनों मिलकर गुड समेरिटन क्लब और पुलिस पब्लिक फ्रेंड्स एसोसिएशन जो संस्था है उससे हम दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो नशाबंदी और रोड सेफ्टी का जो हमने ये कार्यक्रम को किया है, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अंडमान में युवा जो बच्चे हैं वो इससे पीड़ित है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम को करके लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में हम इसको कैसे ख़त्म करें, ऐसा मिलकर इसको हमें करना चाहिए, तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजित किया। मैं इतना ही कह के धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। इसी के साथ मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।